सुशांत सिंह राजपूत केस में सोशल मीडिया पर कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो चुकी थी। और आपको बता दें कि उन सब थ्योरीज में जो सोशल मीडिया पर ये जो थ्योरीज सामने आई थी, इसमें सूरज पंचोली का नाम काफ़ी सामने आ रहा था। आपको बता दें कि इन सब बातों पे सूरज पंचोली की जो मदर हैं जरीना वहाब, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पीपल हैव मेड हिम अ पंचिंग बैग एंड हैव ब्रॉट हिम इन द सेंटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर नो रीज़न। उन्होंने बोला है कि लोगों ने उनके बेटे को पंचिंग बैग बना दिया है और इस कॉन्ट्रोवर्सी में उनके बेटे को इसके बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। और हालांकि उनके जो बेटे हैं उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उनकी मदर ये बोल रही हैं। आगे वो बोलती हैं कि एलिगेशंस ऑफ सूरज पार्टिंग इज़ अनफेयर एंड अ लाई। उन्होंने बोला है कि सूरज पर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि वो एक पार्टी में थे, कि वो पार्टी कर रहे थे उस रात, तो वो कह रहे थे ये अनफेयर है और एकदम झूठ बात है। सूरज जो हैं वो पार्टी नहीं कर रहे थे और ये जो झूठ बात हैं। और पीपल बिफोर पोस्टिंग दिस टाइप्स ऑफ एलिगेशंस शुड थिंक ट्वाइस। तो उन्होंने बोला है कि जो लोग उनके बेटे के बारे में गलत लिख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनके बेटे को इस कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो बार सोचें ये सब करने से पहले। जी हाँ, सो आपको बता दें कि सूरज पंचोली का नाम तो काफ़ी बीच में आ रहा था और जो भी थ्योरी सामने आ रही थी और जो पार्टी वाली बात है ये तो उनकी मदर ने भी बोल ही दी है कि सूरज उस टाइम पे पार्टी नहीं कर रहा था। तो आखिर उनकी मदर ने ऐसा क्यों बोला पार्टी वाली बात पे? जी हाँ, हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के साथ चैनल के साथ बने रहें।